होने वाले विधानसभा चुनाव में कहीं नेता अपनी पार्टी के दिग्गजों का विरोध कर रहे हैं तो कहीं जनता नेताओं का विरोध कर रही है। ऐसा ही कुछ हुआ मध्य प्रदेश के नागदा में। यहाँ वोट मांगने आए वर्तमान बीजेपी विधायक और नागदा से उम्मीदवार दिलीप शेखावत को एक शख्स ने जूते की माला पहना दी। हालांकि दिलीप शेखावत ने तत्काल माला निकाल दिया। बाद में उन्होंने और उनके समर्थकों ने युवक को दबोच लिया। जूते की माला पहनाने से तमतमाए विधायक माला उतार कर शख्स की पिटाई कर दी और दोनों के बीच काफी बहस भी हुई। आपको बता दें यह घटना सोमवार की है जब बीजेपी के वर्तमान विधायक और उम्मीदवार दिलीप शेखावत मध्य प्रदेश के नागदा काजरोद के गांव में जनता से जनसंपर्क के लिए पहुंचे हुए थे। बीजेपी विधायक जनता से आशीर्वाद मांग रहे थे। इसी बीच भाजपा की टोपी लगाए सामने से एक युवक आया और वोट मांगने आए बीजेपी विधायक के गले में जूतों की माला पहना दी। अचानक से यह सब होने पर विधायक दिलीप शेखावत कुछ सोच समझ नहीं पाए और उस शख्स ने माला तब तक पहना दिया। हालांकि वह माला देखते ही शख्स के ऊपर दिलीप भड़के और माला उतार कर तुरंत फेंक दी और उस शख्स को पकड़ कर नेताजी ने पिटाई भी कर दी। हालांकि इस आरोपी शख्स की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले ही मंदसौर से भाजपा पार्टी के प्रत्याशी और दो बार विधायक रह चुके यशपाल सिंह सिसोदिया भी ऐसी मुसीबतों का शिकार हो चुके हैं। एक गांव में जनसंपर्क के दौरान सिसोदिया को युवक ने सरेआम थप्पड़ जड़ दिया था। यह वाक्य तब हुआ था जब सिसोदिया ग्रामीणों के साथ जनसंपर्क में निकले हुए थे। हालांकि शख्स के पिता का कहना था कि वह मानसिक रूप से अस्वस्थ है। इसके बाद सिसोदिया मौके से चले गए और उन्होंने शख्स के ऊपर कोई कार्रवाई भी नहीं की। हमें कमेंट कर जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।